हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सारा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओनली बुद्धा सीरीज के एपिसोड 12 को। ये लास्ट एपिसोड है, इसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं इतने दिनों से इनएक्टिव थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। मैं हॉस्पिटलाइज थी, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं कुछ भी खा पी रही थी उसके जस्ट 10 मिनट बाद ही मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी और मैं कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि लिक्विड डाइट भी मैं ले रही थी तो भी मुझे वॉमिटिंग हो जा रही थी। शुरू में मैंने वॉमिटिंग रोकने के लिए नॉर्मल मेडिसिन वगैरह ली थी, पर उससे बात नहीं बनी क्योंकि मेरा लिवर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी फ्रेंड्स, कुछ भी खाने पीने के बाद मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। इस कारण मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई कि मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया। इस कारण मेरी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। कैन यू गाइस बिलीव कि इन 15 दिनों में मैंने 6 kg वेट लॉस कर लिया है। नाउ आई एम 35 kg। मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं। यार, मेरे फ्रेंड्स मुझे है ना मेरे डॉल कहकर बुलाने लगे हैं, बट फिलहाल मेडिसिन और ट्रीटमेंट की वजह से मैं रिकवर कर रही हूँ और मैं इतने दिनों तक यूट्यूब पर इनएक्टिव थी उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं वर्क नहीं कर पाई थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक सेकेंड चैनल भी खोला है जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। प्लीज उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे मैं अपना फेस रिवील कर दूंगी। अभी मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा पका लिया, चलिए अब बिना देर करते आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करती हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि हॉस्पिटल में जब मो की आंख खुलती है तो वो कैन को अपने सामने पाता है। कैन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे दोबारा छोड़ के कभी नहीं जाएगा। फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये सब मो का एक सपना होता है। डॉक्टर मो का चेकअप करके उसे बताती है कि अब कोई खतरे की बात नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सिर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि टे के पैर से चोट लगने के कारण मो बेहोश हो गया था, तो टे उसे माफी मांग रहा होता है। तो मो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मो को अभी हाल ही में होश आया होता है, इस कारण पायोस उसे आराम करने को बोलता है। वही जैंग उससे बोलते हैं कि वो काम की चिंता ना करे, वो सब कुछ संभाल लेगा। तभी वहाँ पर शोन आ जाता है। मो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे है, तुम्हें कैसे पता चला? तो उसकी मैनेजर उसे बताती है कि तुम्हारे फोन पर शोन का कॉल आ रहा था तो मैंने कॉल पिक किया था और मैंने ही सोन को ये सब बताया। तभी मो सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे सोन से अकेले में बात करनी होती है। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंग भी मो से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। सबके चले जाने के बाद वो मो के कमरे की तरफ आता है। वो दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर छुपकर मो को देखने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मो उसे देखे। इधर मो नाराज होते हुए शोन से बोलता है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कैंग को कभी परस्यू नहीं करोगे, उससे फ्लर्ट नहीं करोगे, फिर तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तो शोन उससे बोलता है कि वो सब पास्ट की बातें थी और वैसे भी तुम पिछले 1 साल से कैंग से बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे और उसके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। यह सुनकर मो को गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और एक बात, मैं कैंग से अब भी प्यार करता हूँ, मैं उसे भूला नहीं हूँ। कैंग बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसमें सोन उससे कहता है कि प्लीज मो, बंद करो ये सब, तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, तुम उसे भूल जाओ और लाइफ में मूव ऑन कर लो। इस पर मो उससे बोलता है कि दुनिया में इतने सारे लोग पड़े हैं, फिर भी तुम्हें कैंग ही मिला था, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं उससे आज भी प्यार करता हूँ। सोन बोलता है कि ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, मैं कैंग के लिए जो फील करता हूँ उस फीलिंग को नहीं रोक सकता, और एक बार मैंने तुम्हें कैंग को दे दिया था, मैंने गिव अप कर दिया था, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। इधर बाहर खड़ा कैंग देखता है कि मो की मॉम मो से मिलने के लिए उस कमरे की तरफ आ रही है, तो वो जल्दी से भागकर कहीं छुप जाता है। मो की मॉम जब वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि शोन और कैंग लड़ रहे हैं। उनसे पूछती है कि क्या चल रहा है यहाँ। इस पर वो दोनों कोई जवाब नहीं देते, सोन एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो कैंग को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और बोलता है कि पता है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तो कैंग उसे बताता है कि मैंने मो की मॉम को आते हुए देखा तो मैं वहाँ से चला आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे देख ले कि मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर वो उससे मो के तबीयत के बारे में पूछता है कि मो अब ठीक तो है ना। तो सोन उससे बोलता है कि हाँ वो ठीक है, कोई सीरियस बात नहीं है। इधर मो की मॉम उससे बोलती है कि कैसे हो तुम, वैसे जिस तरह से तुम सोन से लड़ रहे थे उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी फ्रेंड से तुमको चोट कैसे लगी और तुम बेहोश कैसे हो गए? तो मोन से बोलता है कि मैंने शोन और कैंग का वीडियो देखा, उस वीडियो के देखने के बाद से ही मैं अपसेट था और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर मुझे चोट लग गई और मैं बेहोश हो गया। मो की मॉम उसे समझाती है कि देखो वो तुम्हारा और कैंग का रिलेशनशिप काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुका है और तुमने अपने प्यार और करियर में से करियर को चुना है, इसलिए तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा
अब तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम कैंग को पूरी तरह से भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेंगी। तभी मोहन से बोलता है कि मॉम, अगर मैं कहूँ कि अब मैं आइडल नहीं बनना चाहता तो क्या आप मुझसे डिसअपॉइंट हो जाओगे? क्या आप मेरे इस डिसीजन का विरोध करोगे? तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा करना सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हारा एक अपना बैंड है, और इसके अलावा कंपनी ने तुम्हारे ऊपर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तुम्हारे ऊपर इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम अभी पीछे नहीं हट सकते। मुझे पता है कि तुम कैंग के बारे में सोचकर अपसेट हो, लेकिन तुम्हें एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना होगा। तुम वैसा नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लेना ताकि लोगों को कुछ कहने का मौका ना मिले। वो बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने में एक्सपायर होने वाला है, तब तक जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊंगा, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उनके पास मो को मना करने का कोई वजह ही नहीं बचा था। इधर कैंग शोन से बोलता है कि मैंने देखा कि तुम और मो रूम में एक दूसरे से झगड़ रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो शोन उससे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो कैंग उससे बोलता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं जाकर मो को सब कुछ सच सच बता दूं कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ तो वो फिर से मेरे बारे में सोचने लगेगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाएगा। सोन बोलता है कि मतलब तुम कभी मो को भूल ही नहीं पाए, है ना? तो कैंग बोलता है कि हाँ, सही कहा तुमने, मैं मो को कैसे भूल सकता हूँ, मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। नेक्स्ट सीन में हम टे और जैंग को देखते हैं। जैंग ने नोटिस किया था कि टे उससे हमेशा उखड़ा उखड़ा सा रहता है, उससे ठीक से बात नहीं करता, इसलिए वो उसे फाइनली कन्फर्म करने का डिसाइड करता है। वो उससे सवाल करता है कि टे, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, बैंड लीडर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम लोगों के किसी भी इशू को सॉल्व करूँ, इसलिए अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। इस पर टे उससे बोलता है कि मैं बस इस बात को लेकर वंडर कर रहा था कि कहीं तुम रूल्स तो नहीं ब्रेक कर रहे हो। चलो मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, कहीं तुम सीक्रेटली पायोस को डेट तो नहीं कर रहे हो ना? मैंने उस दिन देखा था कि कैसे तुम दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। तो जैंग उससे बोलता है कि मैं और पायोस एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। वैसे मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या तुम मुझ पे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने रूल्स ब्रेक किए, या फिर तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम पायोस के लिए कुछ फील करते हो? सोच कर जवाब देना, और एक बात, ऐसे इमोशन में बहकर एक्ट मत किया करो क्योंकि लोगों की नजर है हम पे, इसलिए अपने इमोशन को और अपने काम को सेपरेट रखना सीखो। उसी दिन दोपहर को मो अपनी मॉम के साथ सोन के घर पर उससे मिलने आता है। मो की मॉम उससे बोलती है कि तुम सोन से अच्छे से बात करो, मैं नीचे जाकर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मो सोन से माफी मांगते हुए बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे रूडली बात की और कितनी कड़वी कड़वी बातें बोली, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर सोन उससे बोलता है कि इट्स ओके एंड आई एम सॉरी टू कि मैंने तुम्हें कैंग के बारे में नहीं बताया। वो बोलता है कि एक्चुअली मेरा तो कोई राइट ही नहीं बनता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कैंग को लेकर गुस्सा करूँ या फिर तुम्हें कैंग के साथ हैंग आउट करने से रोकूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा और कैंग का ब्रेकअप हो चुका है। तभी सोन उससे बोलता है कि मो, कैंग तुम्हें अभी भी पसंद करता है। इस पर मो उससे बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर वो मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? तो सोनू से बोलता है कि ऐसा करने के पीछे कैंग का कोई अपना रीजन है, हालांकि मुझे पता नहीं है कि वो रीजन क्या है। ये सुनकर मो उदास हो जाता है क्योंकि वो कैंग को बहुत मिस कर रहा होता है। सोनू उसे गले से लगा लेता है। फाइनली इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी। इधर देर रात को पायोस घर पर वापस आता है तो टे उसे पूछता है कि कहाँ थे तुम। पायोस उससे बोलता है कि मैं अपने लिए नया रूम देख रहा था क्योंकि मैं यहाँ से जल्दी ही शिफ्ट होने वाला हूँ। टे बोलता है कि लेकिन क्यों, हम ट्रेनिंग से ही एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, फिर अचानक शिफ्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, कहीं तुम मिस्टर से तो नहीं शिफ्ट हो रहे कि जैन हम दोनों को साथ में देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेगा? ये सुनकर पायोस को काफी अजीब लगता है। वो बोलता है कि इसमें जैन कहाँ से आ गया? तो टे उससे बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हो, तो जाहिर सी बात है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। ये सुनकर पायोस भड़क जाता है और बोलता है कि नहीं, तुम कभी नहीं समझे और ना ही तुम कभी समझ पाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं जिस किसी के भी क्लोज हूँ मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। मेरे दिल में अगर किसी के लिए कुछ फीलिंग्स है तो वो सिर्फ तुम हो। जैन तो बस मेरा मेंटर है जो मुझे जब भी एडवाइस की जरूरत होती है एडवाइस देता है, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं है। दरअसल जैन पायोस के क्लोज इसलिए था क्योंकि वो पायोस को अपने छोटे भाई की तरह मानता था, इसलिए वो उसे हमेशा गाइड करता था और उसे जब भी सहारे की जरूरत होती थी उसके साथ खड़ा रहता था। जैंग ने पायोस से बोला होता है कि अगर तुम्हें किसी एडवाइस की जरूरत हो तो तुम मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो,
इसलिए पायोस उसे हर बात शेयर करता था। जहाँ तक कि पायोस ने उसे जब उसने टे को किस किया होता है ये वाली बात भी उसे बताई होती है। उस दिन जब टे ने उन दोनों को हग करते हुए देखा होता है तब पायोस जैंग से यही बात बता रहा होता है कि उसे टे ने किस किया। वो आज भी टे को पसंद करता है और उसे भूल नहीं पा रहा है, लेकिन जब भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है टे उसे हमेशा खुद से दूर कर देता है, क्योंकि टे एक फ्रेंड बनकर उसके साथ रहना चाहता था। वहीं पायोस उसके लिए कुछ और ही फील करता था। पायोस चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जैंग से यही बात बोल रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, मैं ऐसा नहीं फील करना चाहता। और ये बात बोलकर वो रोने लगता है और रोते हुए उसके गले लग जाता है। उसी वक्त टे वहाँ पर आया होता है और उन दोनों को वैसे देखकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पायोस और जैन रिलेशनशिप में है। सीन प्रेजेंट में आता है। पायोस टे से बोलता है कि तुम्हें याद है जब उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, तो मैंने तुम्हें फ्रेंड क्यों बोला था? क्योंकि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ बन ही नहीं सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो मेरे लिए फील करते हो ना मैं उसको चेंज कर सकता हूँ और ना ही मैं खुद की फीलिंग्स चेंज कर सकता हूँ। और मैं अगर ऐसे ही तुम्हारे नजदीक रहा तो मुझे पता है कि मैं कभी भी तुम्हारे बारे में एक फ्रेंड की तरह नहीं सोच पाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो जैसे ही जाने लगता है टे उसे रोक लेता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पायोस उससे बोलता है कि प्लीज टे ऐसा मत करो। फाइनली टे को अपनी फीलिंग का रियलाइजेशन हो गया था। वो उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि मैं तुमसे नाराज क्यों होता हूँ और जब भी कोई तुम्हारे करीब आता है मुझे गुस्सा क्यों आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक दोस्त से ज्यादा फील करता हूँ। पायोस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। प्लीज पायोस मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ही रुक जाओ प्लीज। ये सुनकर पायोस खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली टे को भी अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो गई थी और टे ने उसे अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर दी। अपनी फीलिंग कन्फेस करने के बाद वो पायोस को किस कर लेता है। इधर मो की मॉम मो को लेकर घर आ जाती है। वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे सिर में दर्द हो तो मुझे बता देना। उन्हें काफी सारे लेटर्स आए होते हैं तो वो लेटर्स को चेक कर रही होती है। उनमें से एक लेटर ब्लैंक होता है तो वो बोलती है कि फिर से एक ब्लैंक लेटर, पता नहीं पिछले एक साल से कौन यहाँ पर ब्लैंक लेटर भेज रहा है। मो जब उस ब्लैंक लेटर को देखता है तो उसे याद आता है कि एक बार जब वो कैंग के साथ मूवी देख रहा होता है तो उस मूवी में ये दिखाया जाता है कि जब छोटा सा बच्चा अपने ग्रैंडमा को मिस करता है तो वो उन्हें ब्लैंक लेटर भेजता है। तो यही देखकर वो कैंग से बोल रहा होता है कि क्या तुम भी कभी ऐसा हुआ कि हम अगर नहीं मिल पाए तो तुम मुझे ब्लैंक लेटर भेजोगे, इससे मैं समझ जाऊंगा कि वो लेटर तुमने भेजे हैं और तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या आपके पास पहले वाले लेटर्स भी है? तो वो उसे बताती है कि हाँ, किचन के किसी ड्रॉर में रखा होगा। वो तुरंत किचन में जाकर उन लेटर्स को ढूंढने लगता है। फिर जब वो उसे लेटर मिल जाते हैं तो वो उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इन पिछले एक सालों में कैंग ने हमेशा उसे मिस किया है और उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती थी। वो मन ही मन रोते हुए बोल रहा होता है कि कैंग जब तुम मुझे इतना ज्यादा मिस करते थे तो तुम मुझसे एक बार भी मिलने क्यों नहीं आए? मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ कैंग, बहुत बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब बैंकॉक में गम की यानी कि मो जैंग पायोस और टे की फर्स्ट फैन मीटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज की गई होती है, जहाँ पर गम्स यानी कि इन चारों के बहुत सारे फैंस इनसे मिलने आए होते हैं। यहाँ पर ये अपने फैंस के लिए गाना गाते हैं और उनके लिए डांस भी परफॉर्म करते हैं। और सबसे जरूरी बात, कैंग भी इस इवेंट में आया होता है और वो एक टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ पर आया होता है। सॉन्ग और डांस परफॉर्म करने के बाद ये चारों एक जगह पर बैठ जाते हैं और इनके फैंस बारी बारी से इनके पास आकर इनको गिफ्ट वगैरह देते हैं, ऑटोग्राफ वगैरह लेकर जाते हैं। जब कैंग की बारी आती है तो वो भी उनके पास जाता है, लेकिन कैंग किसी से बात नहीं कर रहा होता है। जैंग उससे बार बार उसका नाम पूछता है लेकिन कैंग उससे नहीं बताता। तो वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर नाम नहीं बताओगे तो तुम अपना चेहरा ही दिखा दो। तो वो अपना चेहरा भी दिखाने को तैयार नहीं होता। फिर कैंग उसे मो के पास भेज देता है। मो से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि हेलो मैं मो हूँ। कैंग मो से बात करने के लिए कागज पर अपने सवाल वगैरह लिख कर लाया होता है, वो मो को देता है। तो मो कहता है कि वाह, तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो। फिर जब वो चीट्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कैसे हो तुम, मो उसे जवाब देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आगे लिखा होता है कि आई होप कि तुम बीमार नहीं हो और तुम अच्छे से खा पी रहे हो और सो रहे हो। तो मो बोलता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। लेकिन इतना पढ़ने के बाद उसे डाउट होने लगता है कि शायद टेडी बियर के अंदर जो पर्सन है वो कैंग है। वो उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे याद आ रहा था कि लास्ट टाइम जब कैंग उसे छोड़ के जा रहा था तो वो उससे यही बात बोल रहा था कि अच्छे से ख्याल रखना, खाना पीना और बीमार मत पड़ना। वो उस टेडी बियर की तरफ देखता है, फिर वो उसके सामने जाता है और उसके सामने अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है। कॉपी करते हुए वो टेडी बियर भी अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है। फिर वो उसे गले से लगा लेता है और बोलता है कि कैंग ये तुम हो ना?
मुझे पता है कि ये तुम हो। कैंग कुछ भी नहीं बोलता। आखिरकार कैंग कब तक खुद को रोक पाता? उसने पिछले 1 सालों से बड़ी मुश्किल से मुंह से खुद को दूर रखा था। वो भी मुंह को गले से लगा लेता है। वो श्योर हो जाता है कि ये कैंग ही है। वो खुश होते हुए बोलते हैं कि कैंग ये सच में तुम हो। तभी कैंग उसे अपना हाथ छुड़ा लेता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। वो भागते हुए बाहर आकर अपना टेडी बियर मास्क उतारता है और सोचने लगता है कि मुंह को कैसे पता चला कि टेडी बियर के अंदर वो है। कैंग को इस इवेंट में आने का टिकट सोन ने उसे लाकर दिया होता है। कैंग शुरू में इस इवेंट में आने से मना कर रहा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मीडिया वालों ने उसे मो के साथ देख लिया तो तरह तरह की बातें बनाएंगे और मो को प्रॉब्लम हो जाएगी। तब सोन उसे आइडिया देते हैं कि अगर किसी को पता ही ना चले कि वो पर्सन तुम हो तो क्या तुम वहाँ जाओगे। यानी कि ये टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहनकर इवेंट में आने का आइडिया सोन का होता है। कैंग यहाँ पर वो कॉस्ट्यूम पहनकर आ तो गया होता है लेकिन फिर भी मो उसे पहचान लेता है। तो वो सोच रहा होता है कि मो ने मुझे पहचाना कैसे। वो दोबारा कॉस्ट्यूम पहन ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मो आ जाता है और उसे बोलता है कि कैंग तुम फिर मुझसे दूर भागकर कहाँ जा रहे हो। कैंग कुछ भी नहीं बोलता। मो उसे बोलता है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है। क्या आखिरी बार मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? प्लीज एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दो। इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। ये सुनकर कैंग इमोशनल हो जाता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है। तभी मो उसे गले से लगा लेता है और बोलता है कि कैंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे पता है कि तुमने भी मुझे बहुत मिस किया होगा, है ना? तो कैंग उससे बोलता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी मो बोलता है कि मैं तुमसे नाराज भी हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तो कैंग उससे बोलता है कि हाँ मुश्किल तो था लेकिन मुझे करना पड़ा। तुम्हारे जाने के बाद ऐसी कोई रात नहीं गुजरी है मो जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। हर दिन मैं बस यही विश करता था कि तुम अच्छे से खा पी रहे हो, अच्छे से सो रहे हो और तुम बीमार ना पड़ो। एंड आई होप कि तुम वैसी जिंदगी जी रहे हो जैसा तुम हमेशा से जीना चाहते थे, क्योंकि मेरी नजर में तुम ऐसे पर्सन हो जो दुनिया की सारी खुशी डिजर्व करता है। मैं तुम्हारे पास तो आना चाहता था लेकिन मुझे डर लगता था कि कहीं मैं तुम्हारे पास आया और अगर लोगों ने फिर से हमारे पास्ट को डिग करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं ग्रेटफुल हूँ कि कुछ समय के लिए ही सही पर तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थे और हम कभी साथ थे। आई एम सॉरी मो, आई एम रियली सॉरी। वो बहुत ही प्यार से उसका फेस अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है कि कैंग मेरी तरफ देखो, क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और चांस दोगे? इस फैन मीटिंग के बाद मैंने प्लान किया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के नो डेटिंग रूल के बारे में कंपनी से बात करूंगा। इस पर कैंग उससे बोलता है कि मो ये बहुत ही सीरियस मैटर है। तो मो उससे बोलता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन ये रूल काफी पुराना हो चुका है और मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे बात करूंगा तो वो मेरी बात सुनेंगे। कैंग मैंने अपनी जिंदगी में जो भी विश किया था मुझे वो सब मिल चुका है। मुझे अपने फैंस चाहिए थे, अपना कॉन्सर्ट चाहिए था, ब्रांड डील, रिच लाइफ स्टाइल, फेम, नेम, मनी, सब कुछ मिल चुका है मुझे। आज इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और ये सब हासिल करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि फाइनली मुझे मेरा एवरेस्ट मिल चुका है। अब बस एक ही चीज हासिल करनी बाकी है और वो है प्यार। मुझे आज भी याद है कैंग तुमने मुझसे क्या कहा था और तुम देखना मैं अपने सपने और अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा। मुझे खुशी है कि मुझे तुम मिले, मैंने तुम्हें जाना और तुमसे प्यार किया। प्लीज मुझे तुमसे ऐसे ही प्यार करने दो। तभी कैंग उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा एवरेस्ट क्या है, तो मुझे मेरा नया एवरेस्ट मिल गया है और वो है तुमसे प्यार करना। आई लव यू मो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मो उससे बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कैंग, प्लीज मेरा इंतजार करना। ये सुनकर कैंग इमोशनल हो जाता है और वो मो को किस कर लेता है। इधर टे के पेरेंट्स भी उससे मिलने आए होते हैं। दरअसल पायुस ने उसके पेरेंट्स को टिकट्स दिए होते हैं, उसी के वजह से टे के पेरेंट्स कॉन्सर्ट में आ पाए होते हैं। टे उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पायुस जब टे को खुश देखते हैं तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। टे के पेरेंट्स उसे गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि उन्हें उस पर फक्र है। वो टे के लिए गिफ्ट भी ले आए होते हैं लेकिन वो गिफ्ट कार में ही भूल गए होते हैं, तो वो गिफ्ट को लाने के लिए चले जाते हैं। जैन पायोस से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलने नहीं आए क्या? तो पायोस उसे बताता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी ग्रैंडमा है जो कि काफी ज्यादा ओल्ड है, इसलिए उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो घर पर उसे टीवी पर ही देखे। मैं तो टे और टे के पेरेंट्स को हग करते हुए देखकर ही बहुत खुश हूँ।
इसमें जैंगो से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हक करने के लिए कोई नहीं है तो तुम चाहो तो मुझे हक कर सकते हो। आयुष उसे हक करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी टे उसे रोक लेता है और बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही पॉजेसिव हूँ और वैसे भी बहुत हो गया #जैंग पायोस, अब सिर्फ #टे और पायोस चलेगा। ये सुनकर जैंग मुस्कुराने लगता है और वहां से चला जाता है। टे पायोस को किस करने लगता है, पायोस उसे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो टे उससे बोलता है कि मैं ये जता रहा हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। कैंग अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट के लिए खाना बना रहा होता है, तभी उसकी मॉम को एक कॉल आता है जहाँ पर वो किसी के लिए 30-40 बॉक्स खाना का ऑर्डर ले लेती है। कैंग उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्हें ज्यादा काम करने से मना करता है, तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम जाकर इवेंट के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर कैंग की मॉम मो के स्कूल में हो रहे स्कूल रीयूनियन इवेंट के बारे में बात कर रही होती है। कैंग मो का फेवरेट काई पालो बनाकर उसे अलग से मो के लिए रख देता है। तभी वहाँ पर मो आता है और बोलता है कि हेलो क्यूटी, क्या तुम यहाँ पर भी राइस और करी सेल करती हो, तुम्हारी स्माइल बहुत ही प्यारी है, केयरफुल रहना कहीं मैं तुम्हें घर ना उठा के ले चला जाऊँ। तो कैंग उससे बोलता है कि अच्छा जी तो ले चलो। तभी मो देखता है कि ट्रे में रखा हुआ सारा काई पालो खत्म हो गया है। वो बोलता है कि ये क्या काई पालो खत्म हो गया, काई पालो खाने के लिए मैंने अपने पेट में जगह बचा के रखी थी लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी कैंग उसे वो काई पालो दिखाते हैं जो उसने उसके लिए बचा कर रखी होती है। उसे देखकर मो खुश हो जाता है और वो अपना प्लेट निकालने लगता है, तो कैंग उसे बोलते हैं कि कौन पागल अपना प्लेट लेकर चलता है, तो मो उससे बोलता है कि वैसे मैं पागल तो हूँ लेकिन तुम्हारे प्यार में। ये सुनकर कैंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसी दौरान उनके बीच एक ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है जब कैंग मो को कू 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 कहकर चिढ़ाने लगता है, तो मो उसे बोलता है कि इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, मैं तुम्हारे नेक पर किस करूंगा। तो कैंग उसे बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों अब बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर मो उसे बोलता है क्या तुम बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। तभी वहाँ पर नेता आती है, उसे मो के साथ एक फोटो चाहिए थी, तो वो कैंग से बोलती है कि वो मो के साथ उसकी एक फोटो क्लिक कर दे। कैंग उसकी कुछ फोटोज क्लिक करके उसे दे देता है। फिर वो दोनों फोटो देखते हुए डिस्कस करने लगते हैं कि ये देखो ये कैसा फोटो है। तभी कैंग मो से बोलता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है। इस पर मो से बोलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना क्यूट है, तो कैंग उसे बोलता है कि ओ हेलो अभी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो नेक्स्ट सरप्राइज होते हुए बोलती है कि व्हाट क्या तुम दोनों का अभी पैचअप नहीं हुआ, तो कैंग उसे बोलता है कि इसने अभी मुझे बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछा ही नहीं। नेक्स्ट मो से बोलती है कि अभी तक तुमने पूछा क्यों नहीं, क्या तुमने कंपनी से इस बारे में बात नहीं की, या फिर तुमने बात की और वो माने नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें कोई और पसंद है, या फिर। अभी आगे वो कुछ बोलती ही तभी मो उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि बस बस नेत मैंने कंपनी से ऑलरेडी बात कर ली है। अभी आगे वो कुछ बोलती ही तभी मो उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि बस बस नेत मैंने कंपनी से ऑलरेडी बात कर ली है। जब मो कंपनी से बात कर रहा होता है तब जैंग ने उसका सपोर्ट किया होता है, कंपनी मान गई होती है और उन्होंने अपना रूल खत्म कर दिया होता है कि वो लोग डेट नहीं कर सकते। इस पर नेत खुश होते हुए बोलती है कि इसका मतलब कि तुम दोनों अब ओपनली डेट कर सकते हो, तो फिर इंतजार किस बात का। तो मो उससे बोलता है कि कुछ नहीं, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कैंग से इस बारे में पूछ पाऊँ, वैसे भी बड़ी मुश्किल से मैं अपने टाइट शेड्यूल से टाइम निकालकर इस रीयूनियन में आया हूँ ताकि मैं कैंग से मिल पाऊँ। वेल नेत लाल मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं खाने जा रहा हूँ। वो काई पालो लेकर खाने जैसे ही जाने लगते हैं नेत उसे रोक लेती है और बोलती है कि नो नो नो, पहले तुम्हें कैंग से उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछना होगा, उसके बाद तुम खा सकते हो। तो मो उसे बोलता है कि ठीक है अभी पूछ लेते हैं। फिर मो जैसे ही कैंग से पूछने वाला होता है कि कैंग विल यू बी माई, तभी उसके फोन पे कॉल आने लगते हैं। वो कॉल उठाता है तो उसे बुलाया जाता है कि जल्दी से आओ, तुम्हारा मेकअप और हेयर बनाना है क्योंकि मो इस इवेंट में अपने बैंड के साथ परफॉर्म भी करने वाला होता है। तो मो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी कैंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि अपना काई पालो लेते जाओ उधर ही खा लेना। वो काई पालो ले लेता है और बोलते हैं कि ओ तुम बहुत ही क्यूट हो, फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि नेत इवेंट के लिए स्कूल की तरफ जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक बलून फटता है और उस आवाज से वो डर जाती है और उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। तभी सामने जैंग आ जाता है और वो उस फोन को कैच कर लेता है। नेत उसकी शाइन ब्राइट ऑरा देखकर मेस्मराइज हो जाती है और उसे देखते ही रह जाती है। जैंग उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, तो वो मुस्कुराने लगती है। फिर जैंग उसे उसका फोन वापस करता है, तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझसे मेरा नंबर मांग रहे हो। तो जैंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस कर रहा हूँ। नेत बोलती है कि ओ अच्छा, फिर वो उसे फोन ले लेती है और थैंक्स बोलती है। जैंग जब वहां से चला जाता है तो वो एक छोटे बच्चे की तरह खुशी से उछलने लगती है। पीछे खड़ा जैंग उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है। फिर जब नेत का ध्यान उस पर जाता है तो वो शर्मा जाती है।
उसे देखकर जैंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर जैंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नेथ फिर से खुशी से झूमने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। शाम को इवेंट में नेथ कैंग के सामने जैंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही होती है। जैंग उसे पहली नजर में ही पसंद आ गया होता है। इवेंट में गम का परफॉर्मेंस भी होता है, जिसमें टे, बायोस, मो और जैंग ये सभी डांस और सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वो यहाँ पर स्पीच भी देता है। फिर वो अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए कैंग को प्रपोज करता है, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, जिसके जवाब में ऑब्वियसली कैंग उसे हाँ कर देता है। फिर होती है इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सी किसिंग सीन। वो यहाँ पर सबके सामने कैंग को किस करता है, जो मुझे लगता है कि ये काफी बोल्ड स्टेप है। इतने लोगों के सामने किस करना थोड़ा सा लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकता है। I just wanna ask, are you guys bold enough to kiss your someone special in front of public? इधर टे भी फाइनली पायोस को अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछता है, जिसके जवाब में पायोस भी उसे हाँ कर देता है। खुशी के मारे टे पायोस को किस कर लेता है। और हमारी नेत को भी उसके सपने का राजकुमार जैन उसे मिल जाता है। इन दोनों को एक दूसरे के लिए इंस्टेंट स्पार्क फील हुआ था और ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी इवेंट में एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। सोन को भी उसका पार्टनर मिल जाता है। कैंग और उसकी मॉम एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन जाती है। दोनों साथ में मेरी ट्रिप पर जाती हैं। और गम को यानी कि मो के बैंड को द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के अवार्ड से नवाजा जाता है। कैंग और मो फिर से एक साथ होते हैं। कैंग गम का एक न्यू पोस्टर बना रहा होता है, जो कि वो मो को बना के दिखाता है। मो को वो पोस्टर काफी ज्यादा पसंद आता है, तो कैंग उसे बोलता है कि क्या इसके बदले मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और वो उसे एज ए रिवॉर्ड किस कर लेता है। और फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।